बहुत ही सुंदर यहां से दृश्य दिखाई देते हैं, ये ऊंचे ऊंचे देवदार। ओले देखे, बारिश देखी, जोरों की हवा चली, बिजली कड़की, बिजलियां गिरी। जिन्हें ख्वाहिश है जन्नत की, शायद उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे नहीं देखे होंगे। बुलाते रहते हैं हर वक्त अपने आगोश में पहाड़ों के, वो इशारे नहीं देखे होंगे। नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम डेलहाउसी में घूम रहे हैं और दैनकुंड का ये ब्यूटीफुल ट्रैक हमने किया था। ट्रैक के दौरान हमने बहुत ही सुंदर नज़ारे देखे और सबसे बेहतरीन नज़ारा हमने यहाँ से माउंट कैलाश देखा, और उसके बाद अभी हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन काला टॉप। देखिए दैनकुंड के रास्ते से नीचे उतरते ही ये सामने डेलहाउसी से खजियार का रोड आ गया, मेन रोड। और ये अभी सामने जो आपको दिख रहा है वो एक गेट है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, यही है जिसको कहते हैं लक्कड़ मंडी। ये लक्कड़ मंडी से पक्की सड़क छोड़ के ये कच्ची सड़क पे अंदर जाना है, और ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है जहाँ पे 200 रुपये की पर्ची कटवा के फिर अंदर कालाटॉप के लिए निकलना है। देखिए ये मेन रोड है, और मेन रोड के साथ साथ में ये अंदर की ओर पेड़ों से लदा ये कच्चा रास्ता जो कि जा रहा है काला टॉप के लिए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल रोड, कोलतार की सड़कों पे चले बहुत, ये कच्ची सड़क पे भी रुका नहीं जाता। घुमक्कड़ हूँ जब प्रकृति बाहें फैला के खड़ी हो, रुका नहीं जाता। इस जंगल में वैसे तो बालू होते हैं लेकिन ऐसे सामने दिन में नहीं आते हैं। देखिए बंदर कितने सारे हैं यहाँ पे, ढेर सारे बंदर। The roads are very beautiful, very scenic. कच्चा रास्ता है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। आराम आराम से चलें, पतला रास्ता है। देखिए ये पूरा ट्रैक भी होता है इस रास्ते पे, ऐसा नहीं है कि गाड़ी लेके ही आते हैं। और ऊपर देखिए बेंचेस लगे हैं, लोग यहाँ पे ट्रैक करके आते हैं और ऐसी जगहों पे आके बैठते हैं। देखिए मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक ही दी, ये पीछे गाड़ी लगा दी, क्योंकि बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई देते हैं, ये ऊंचे ऊंचे देवदार। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा ट्रैक करने वाले हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर। और यहाँ से व्यूज़ तो देखिए। तो बस आइए काला टॉप पे और देखिए प्रकृति का खजाना। देखिए रास्ते में ही ऐसे महादेव जी विराजमान हैं। पूरा जंगल के अंदर हम 3 किलोमीटर तक आ चुके हैं। देखिए ऐसी बैठने की जगह बनी है हर जगह, और ये पूरा एक ट्रेल है, आप ऐसे किसी भी ट्रेल पे चले जाओ और एक नेचर वॉक का मज़ा ले सकते हैं। फाइनली ये मेरे पीछे जो रास्ता है उसी रास्ते से हम यहाँ तक आए हैं और हम काला टॉप पहुँच चुके हैं। ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क है, अपनी गाड़ी भी यहाँ पे लगा दी है, और यही है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस काला टॉप। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पे बड़े बड़े देवदार के पेड़ के बीच में
यह स्थान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ढेर सारे बियर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, वैसे मिलेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, लेकिन है यहाँ पे। चूंकि ये देवदारों के बीच में गिरा हुआ रहता है, दिन के उजाले में भी छाया ही मिलती है, तो इसी वजह से इस स्थान को कहते हैं काला टॉप। देखिए ये मेरे पीछे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस काला टॉप, जहाँ पे वो 1942 लव स्टोरी वाला शूटिंग हुआ था, रिम जिम, और इन्हीं खिड़कियों में से मनीषा कोइराला धीरे धीरे शर्माती हुई झांक रही थी और अनिल कपूर वो गीत गा रहे थे। और उसके बिल्कुल साथ में ही यहाँ पे देखिए ये है सनसेट पॉइंट, यहाँ से सनसेट दिखेगा। देवदार चीलों से दूर रहना सहा नहीं जाता, आज भी आँखों से ऊंचाई नापे बिना रहा नहीं जाता। देखिए कुछ इस प्रकार से अपने होम स्टे में जाने का रास्ता, मेन एंट्रेंस से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में से होते हुए ऐसे यही जो पगडंडी है वो चलते चलते स्टेप्स डिसेंड करने हैं, यही रास्ता जाता है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। उसी रास्ते पे आगे जाते हैं आप तो कुछ आपको होम स्टेज मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए ऐसे यहाँ पे भी आपको कुछ होम स्टेज मिल जाएंगे, और गुज्जूस कितने घुमक्कड़ हैं, काला टॉप पे रेस्टोरेंट में आपको यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये कुछ स्टेप्स नीचे आ गए हैं हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से, और यहाँ पे ऐसे टेरेस कैफे हैं, और यहीं पे बॉर्डर 50 मीटर्स है अपना होटल स्मार्ट हिल यहाँ से, ये भी रेस्ट हाउस का एक कॉटेज ही है। देखिए काला टॉप पे हमें एक फैमिली मिल गया है, भैया आपका नाम क्या है? तुषार शाह फ्रॉम वडोदरा। तो देखिए घुमक्कड़ गुज्जूज ऐसे ही नहीं कहते, काला टॉप पे भी हमें एक गुज्जू फैमिली पूरा मिल गया है, ये पूरा गुज्जू फैमिली अपना। देखिए ये पतली सी पगडंडी, 50 मीटर तक जाना है, इस पगडंडी पे आगे बढ़ते अपना स्मार्ट हिल होटल आ जाएगा। देखिए ऐसी ट्रेल्स बनी है जहाँ पे आप आराम से यहाँ पे घूमिए फिरिए। देखिए ये सारे हैं यहाँ के होम स्टेज, ये है अपना स्मार्ट हिल काला टॉप, यहीं पे हम रुकने वाले हैं। तो देख लीजिए यही है अपना होम स्टे या फिर होटल कह लीजिए, पूरा वुडन वॉल्स, ये रिसेप्शन, और देखिए ये पूरी गैलरी और अपने रूम्स। ये मम्मी पापा का रूम, स्मॉल एंड कॉजी, ये बालकनी के साथ अपना दूसरा रूम। ये है अपने होम स्टे की ये बालकनी, बालकनी से देखे कितने खूबसूरत पीछे नज़ारे दिखते हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल। ये जो है वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज हो रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए अपने होम स्टे में बैठे हैं, होम स्टे कह लीजिए होटल कह लीजिए, बहुत ही सुंदर ये बना है, आपने पूरा यहाँ पे देखा, काफ़ी सुकून वाली जगह है। जैसे कि हम इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे आए काला टॉप के, तो ऐसा लगा कि यहाँ पे रहना चाहिए, आप भी अगर आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे रहने में मज़े कितने आएंगे, कितना सुंदर कुदरत के बीच में यहाँ पे वातावरण है। लेकिन यहाँ पे काला टॉप फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बुकिंग करवाना थोड़ा ट्रिकी है, कोई उसकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है तो आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फिर वहाँ से परमिशन का वेट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा गवर्नमेंट सिस्टम के हिसाब से टफ रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे 3-4 होमस्टेज हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, उन सभी होमस्टेज में दिस वन इज़ द बेस्ट,
बेटर देन द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जो ऊपर है, यहाँ से थोड़ा ऊपर है, लेकिन वहाँ पे जो व्यूज है उससे बेटर व्यूज और बेटर लोकेशन इस होम स्टे की है। तो आप भी यहाँ पे आइए और पूरा एक दो दिन तीन दिन आप आराम से यहाँ पे भीड़ भाड़ से दूर, कोई कोलाहल नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। गार्डनिंग भी बहुत अच्छा किया है। देखिए पापा की आदतें, अभी क्या किया पापा आपने? शेविंग कर लिया यार। शेविंग कर लिया, फ्रेश हो जाएंगे ना ज्यादा। यस yes, एक होटल से दूसरे होटल में कल भी शेविंग करके निकले थे। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, कल भी शेविंग किया था, आज भी शेविंग किया है। हम लोग बाहर चिल कर रहे हैं, पापा ने शेव करके रेडी हो गए हैं, अभी बालकनी में बैठेंगे। जब वो आप लगेज लेने गया था, I enjoyed all this forest greenery. ग्रेट। यहाँ की और भी एक खूबसूरती है, ये जो साइड है ना, ये पूरा वेस्ट साइड है, तो सनसेट सामने ही होगा। होप सनसेट अच्छा सा दिखे, क्योंकि बादल बहुत है। देखिए अपना लंच रेडी हो चुका है, कीर्तन चेयर सजा रहा है यहीं पे बाहर, इसी बालकनी में बैठे बैठे बड़े मजे से खाएंगे। तो देखिए अपना पूरा लंच रेडी है, पराठे हैं, हाँ प्राप्ति का आज फास्ट है तो उसके लिए जीरा आलू तैयार किया है, पापा की खिचड़ी अंदर पक रही है, दोनों मम्मी और प्राप्ति ने वहाँ पे राइस कुकर लगा दिया है, और ये कीर्तन, और अब बस आलू गोभी और ओनियन के पराठे शुरू करते हैं। और सोचिए कितनी सुहानी जगह है, ये बालकनी, पीछे इतने सुंदर देवदार के वृक्ष, और पीछे ये पहाड़, ये वैली, ये बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं ओनियन के पराठे, ओनियन के पराठे। बढ़िया, कैसा लगता है कीर्तन? अनियन का बहुत अच्छा था, और मैंने ये गोभी का लिया, गोभी का तो अनियन से भी बहुत अच्छा है। घुमक्कर गुज्जुस की घुमक्कर जगह। तो बस जल्दी से लंच फिनिश करते हैं, और फिर यहाँ पे ऊपर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे एक पगडंडी बनी है, वहाँ पे एक मंदिर है, तो उसका छोटा सा ट्रैक है, वो ट्रैक करेंगे, थोड़ा फॉरेस्ट में घूमेंगे और मजे करेंगे। अभी छाता लेके निकले हैं यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी बाहर अच्छे से बारिश हो रही है और हमें एडवेंचर करना है, हमें यहाँ से जाना है ऊपर ट्रैक करके, ऊपर एक मंदिर है तो मंदिर तक ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। वेट कर रहा हूँ, प्राप्ति आ रही है, कीर्तन भी आ रहा है, वीडियो ले तो खरी जब भी पकड़ पैरा पड़ा। हम रुक ही गए वापिस, क्योंकि ओले गिरना शुरू हो गए हैं। देखिए ओले गिर रहे हैं, देखिए ओले कितने सारे गिर रहे हैं, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ नेचर। हमने सोचा था लंच कर लें फिर बाद में चलते हैं, पर आपने देखा भी, छाता लेके मैं निकल भी गया था, पीछे कीर्तन आ रहा था, बारिश शुरू थी, तो प्राप्ति ने बोला कि नहीं अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद निकलते हैं, तो कीर्तन वापस चला गया और फिर तो ओले गिरना शुरू हो गए, और छाता लेके हम वापस आ गए और अभी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अभी ओले गिरना बंद हो चुके हैं, बारिश गिर रही है, देखिए यहाँ पे अभी बारिश है, और वहाँ पे दूर पीछे कुछ पहाड़ है, वैली है, उसमें धूप खिली हुई है।
पल पल मौसम बदल रहा था, कभी बारिश कभी ओले कभी आसमान से गिरती बर्फ। बहुत ही मज़ा आ रहा था, प्रकृति के इतने रंग एक साथ एक समय पे हमने कभी नहीं देखे थे। लाजवाब कुदरत, लाजवाब नज़ारों के साथ, इतना सुंदर मौसम, रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए। नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमां हो जाए। रूप तेरा देख के हर कोई मोहित हो जाए। प्रकृति हमें सबसे प्रेम करना सिखाए। कभी धूप कभी छांव, देखिए बारिश गिर रही है। कुछ देर पहले यहाँ पे ओले गिर रहे थे, अभी बारिश चालू है और धूप भी खिल गई है। सबका एक्सपीरियंस कैसा है? ऐसा तो कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा। खाली 15-20 मिनट में हमने सब देख लिया। मौसम का जादू है बिछुआ, ओले तो इतने सारे देखकर खुश हो गए। फाइनली वी स्टार्टेड अगेन। प्राप्ति है साथ में और ये मैं छाता लेके निकले हैं अभी। होपफुली इस बार ट्रैक कंप्लीट करके ही आएंगे। शॉर्ट ट्रैक है, थोड़ा सा हाइक और ये फॉरेस्ट में घूमना है। क्या लगता है आपको, क्या ट्रैक कंप्लीट करेंगे? ये मौसम हमें साथ देगा, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे ना? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।